नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत करती हूँ प्रियंकास किचन में। तो दिवाली आने वाली है और हम सभी लोगों ने मिठाइयाँ बनाना शुरू कर दिया होगा, मैंने भी कर दिया है। तो आज जो मैंने बनाया है वो है बहुत ही स्पेशल और सबकी फेवरेट मिठाई, बेसन के लड्डू। ये बेसन के लड्डू बहुत ही सिंपल और आसान है, लेकिन इसमें कुछ छोटी छोटी टिप्स है जिनका हमें ध्यान रखना होगा। अगर इन टिप्स को हम फॉलो करेंगे तो परफेक्ट दानेदार बेसन के लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आने वाले फ्राइडे यानी 13 नवंबर को हम अपना एक फूड स्टॉल लगाने वाले हैं अपनी सोसाइटी के फूड कोर्ट में। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मुझे वहाँ ज्वाइन करें और ये जो सारी मिठाइयाँ मैं बनाने वाली हूँ वो आप वहाँ पर जरूर देखें और देखें लोगों का रिस्पांस कैसा आता है। ये जो लाइव वीडियो है ये हम शुरू करेंगे शाम को अराउंड 6:30 बजे। इस पूरे वीक में मैं आपके साथ कम से कम 3 या 4 रेसिपी शेयर करूंगी जो मैं अभी रोज बनाने वाली हूँ, दिवाली के लिए भी और हमारे फूड स्टॉल के लिए भी। तो आई एम श्योर कि ये आपको भी हेल्प मिलेगी, आप भी हर दिन वो रेसिपी फॉलो कर सकते हैं और दिवाली के लिए आपकी वो मिठाई तैयार हो जाएगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इस पूरे हफ्ते डिफरेंट डिफरेंट इंडियन स्वीट्स और कुछ सेवरी आइटम्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज बेसन के लड्डू बनाना। तो यहाँ मैंने लिया है 4 कप मोटा बेसन, 2 कप शक्कर का बोरा, 1 कप घी एंड 1 टीस्पून खसखस। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स और भी ले सकते हैं लाइक काजू, और बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं। ये जो बेसन है ये मोटा बेसन है, इसको हम जाड़ा बेसन भी बोलते हैं या लाडू बेसन भी बोलते हैं, या आप दुकान पर बोल कर मांग सकते हैं कि लड्डू के लिए हमें मोटा बेसन चाहिए। सिमिलरली ये जो शुगर है ये नॉर्मल शक्कर नहीं है, इसको बोलते हैं शक्कर का बूरा, ये मोटी दानेदार शक्कर होती है। देखिए कई लोग पसंद करते हैं चिकने वाले बेसन के लड्डू, तो अगर आपको वो लड्डू पसंद है तो आप नॉर्मल घर का जो नॉर्मल बाजार में पतला बेसन आता है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक दानेदार बेसन के लड्डू होते हैं उसके लिए ये जो मोटा बेसन जिसे जाड़ा बेसन या लाडू बेसन भी कहते हैं यही बेसन परफेक्ट होता है। और शुगर भी आप कभी भी पाउडर्ड शुगर ना लें, आप इसके लिए बूरा खरीदें। तो बेसन के लड्डू में मोटा बेसन और बूरे का इस्तेमाल करेंगे अगर, तो हमारे लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। अब रेसिपी बहुत सिंपल है, हमें गैस पे कढ़ाई रखनी है, उसमें हम घी डालेंगे और जो फ्लेम है उसको हम हमेशा सिम पर ही रखेंगे, घी को मेल्ट होने देंगे। जैसे ही घी जब हमारा मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें बेसन डालेंगे। बेसन डालने के बाद हम पहले घी और बेसन को अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे जो फ्लेम है वो हमेशा सिम पे रहे, नहीं तो हमारा बेसन जल सकता है। अब हम अच्छे से स्पून से दबाते हुए सारे बेसन को घी में मिक्स कर देंगे, जिससे कि जो घी है वो अच्छे से बेसन में चला जाए और कहीं पे भी कोई बेसन का कोई दाना या कोई ग्रैन्यूल ना रह जाए जिससे में कि घी ना पहुंचे, और इस तरह सिम फ्लेम पे हम इसे भूनते रहेंगे। तो बेसन के लड्डू का सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि हमें बेसन को अच्छे से भूनना है, और बेसन को अच्छे से भूनने के लिए उसे हमेशा सिम फ्लेम पर ही रखें और कंटिन्यूअसली उसे चलाते रहें। अगर आप थोड़ी सी देर के लिए भी बेसन को छोड़ेंगे तो बेसन नीचे से जल सकता है। देखिए अभी मुझे 2-3 मिनट हुए हैं बेसन को भूनते हुए और अच्छे से बेसन मिक्स हो गया है घी के साथ और थोड़ा थोड़ा कलर भी चेंज होने लगा है बेसन का। यू कैन सी दैट, देखिए इट्स प्रीटी नाइस नाउ। बस इसी तरह हमें लगातार बेसन को भूनते रहना है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे खसखस के दाने। तो जैसे कि हमने इसमें खसखस के दाने डाले हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हैं, चॉप करके काजू डाल सकते हैं, आप सनफ्लावर सीड्स डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है उस तरह के ड्राई फ्रूट्स आप इसमें यूज कर सकते हैं। खसखस के दाने डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से भूनते रहेंगे, लगातार भूनेंगे तो खसखस के दाने भी घी और बेसन के साथ सिक जाएंगे। ये देखिए बेसन ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, कलर भी चेंज होने लगा है, और मुझे लगभग 10 मिनट हुए हैं अभी भूनते हुए और हमारा बेसन एकसार होने लगा है। अब लगभग 16 मिनट बाद हमारा बेसन ऑलमोस्ट भून के बिल्कुल अच्छे से तैयार है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, देखिए कलर भी अच्छा चेंज हो गया है। अब हम इसकी जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे और बेसन को कढ़ाई में भी चलाते रहेंगे, क्योंकि कढ़ाई अभी बहुत गर्म है, अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो बेसन जल जाएगा। अब इसे मैंने फैन के नीचे रख दिया है ठंडा होने के लिए, अब इसे हम अच्छे से ठंडा करेंगे। अब जब बेसन ठंडा हो जाएगा इसमें हम बूरा मिलाएंगे और हाथ से
अच्छे से बूरा और शुगर को मिक्स करेंगे। याद रहे बेसन एकदम ठंडा होना चाहिए और बेसन में बूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोनों हथेलियों के बीच में लेकर रगड़ेंगे जिससे बेसन और बूरा प्रॉपरली मिक्स हो जाए। अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो दो हथेलियों के बीच में थोड़ा सा 1 स्पूनफुल बेसन लेंगे और इसको ऊपर वाले हाथ से फिंगर्स की हेल्प से दबाते हुए हम इस तरह से लड्डू बनाएंगे। देखिए इस तरह से आप बड़े आराम से इसके लड्डू बन जाएंगे। परफेक्ट लड्डू बनके तैयार हैं और इसी तरह हम सारे लड्डू रेडी कर लेंगे। देखिए दो फिंगर्स की हेल्प से आप इस तरह से लड्डुओं को मूव करते हुए रोटेट करते हुए लड्डू बनाएंगे। अरे सारे लड्डू अब रेडी हैं। लगभग 27 लड्डूज बने हैं टोटल। इसमें आप सनफ्लावर सीड लगा सकते हैं। हम मैं आपको इसको वे करके भी दिखाती हूँ। देखिए लड्डुओं का वेट प्लेट के साथ 1300 ग्राम समथिंग है। दैट मीन्स आधा किलो बेसन में हमारे लगभग 1 किलो लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बेसन के लड्डू की रेसिपी पसंद आई। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। आप कोई और रेसिपी जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। रिमेंबर टू ज्वाइन मी ऑन 13th of November, फ्राइडे 6:30 PM ऑनवर्ड्स। सी यू सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नए डेजर्ट के साथ।